नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी भारत पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और एजाज अहमद चौधरी के बीच वार्ता होगी। एजाज अहमद हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने उनका स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि एजाज अहमद चौधरी भारत पहुंच चुके हैं। दोनों के बीच जो है, दोनों विदेश सचिवों के बीच आज वार्ता होगी। एजाज अहमद हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में क्या भारत और पाक का एक बार फिर से दिन मिलेगा, क्योंकि पठानकोट हमले के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब दोनों विदेश सचिवों के बीच बातचीत होगी। के बातचीत से ही रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। बातचीत से ही जो बड़े लंबे समय के बहुत ऐसे मामले हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, वो सॉल्व हो सकते हैं। किंतु गंभीरता से लेने चाहिए, ईमानदारी से लेने चाहिए। तो आज हो रही वार्ता को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का कहना है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सामने भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अभी भी हम इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि हम पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं। हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी नीति को जो परिणाम सही हो, देश हित में हो, तब तो वार्ता होनी चाहिए। वार्ता अवश्य जारी रखनी चाहिए, सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए किस तरह से है। मुझे तो कोई आशा नहीं है कि ये जो वार्ता हो रही है उसका कोई परिणाम, अच्छे परिणाम निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी की संपत्ति कुर्की मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य और बेटी अपराजिता ने ईडी की तरफ से संपत्ति कुर्क करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट का आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य और बेटी अपराजिता ने ईडी की तरफ से संपत्ति कुर्क करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी में साथ जुड़ गए हैं। अब पंकज, क्या कुछ डिटेल्स है फिलहाल आपके पास सुनवाई को लेकर? देखिए, लंच के बाद जो जानकारी मिल रही है उस पर जो है कोर्ट फैसला सुना सकती है। और क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने जो है वो प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के बेटे और बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और साफ तौर पर चैलेंज किया था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उनका नाम नहीं है, तो किस वजह से ईडी ने जो है वो जो प्रॉपर्टी को अटैच किया था। इसके बाद जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें जो ईडी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट में, उसके बाद जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया था। और आज लंच के करीब जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकती है। बिल्कुल पंकज, कितना अहम ये फैसला हो सकता है और विकल्प क्या बच जाता है इसके बाद? देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और ईडी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उसके जरिए पता कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सीबीआई की लगातार जांच भी चल रही है और लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ की जाए। जो जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि सीबीआई मामले में जो मुख्यमंत्री से अगले हफ्ते सीबीआई पूछताछ कर सकती है, लेकिन ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की थी उसको चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में अपराजिता और विक्रमादित्य की तरफ से, उस पर जो है कोर्ट आज जो है फैसला सुना सकती है। जी पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पटियाला में शहीदों के परिजन अपनी अनदेखी किए जाने से नाराज होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक कोई भी नेता मंत्री उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, सरकार उनके परिवार का कोई ध्यान नहीं रख रही है। वहीं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि शहीदों के परिजनों को उनका हक मिलना चाहिए। जेड़े पढ़े लिखे सी जिन्हां दी कोई पॉलिटिकल पहुंच सी वो अपना हक लै गए,
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੈਂਕ ਬੋਰਡ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ MP ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਹੋਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 50 ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की पक्की रिहाई की मांग की है। उन्होंने भुल्लर को पेरोल पर रिहा करने का क्रेडिट पंजाब सरकार को दिया है। इसके अलावा अकाल तख्त ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में दविंदर पाल सिंह भुल्लर और गुरदीप सिंह को पेरोल पर रिहा किया गया है, जिसका अकाल तख्त के जथेदार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल और SGPC की कोशिश रंग लाई है। इसके बाद उन्होंने केंद्र से मांग की है कि सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की पक्की रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। मांग है कि जिन्हां दियां सजावां पूरियां हो चुकियां ने उन्हां नूं पक्की पैरोल दिती जाए, उन्हां नूं रिहा किया जाए। वहीं ज्ञानी गुरबचन सिंह ने 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोग सच जानना चाहते हैं। अकाली तख्त ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हां दा सच जेड़ा सामने लियाउण वास्ते जेड़ियां फाइलां ने ओह जनतक होणियां बहुत जरूरी ने, और असीं शलाघा करदे बीबा हरसिमरत कौर बादल दा जिन्हां ने आवाज उठाई है। पंजाब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें ब्लू स्टार की फाइलें सार्वजनिक करने पर कोई एतराज नहीं है, हालांकि कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर देख रही है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कभी कांग्रेस से ही अलग होकर वजूद में आई हरियाणा जनहित कांग्रेस का अब कांग्रेस में ही विलय होने जा रहा है, और आज विलय की तारीख का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है कि हरियाणा में एक बड़ी रैली आयोजित होगी और इस रैली में हचका का कांग्रेस में विलय होगा। दो विधायकों वाली हरियाणा की विपक्षी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का वापस कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। खुद पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। हालांकि विलय की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। देखिए, आज बहुत बढ़िया राहुल जी से आशीर्वाद मिला हमारे को, और बहुत बढ़िया ढंग से हमारी बातचीत हुई है। बाकी बात क्या हुई है क्या नहीं, मैं आज उसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन का समय। पार्टी का विलय कर रहे हैं आप? आइए, हमारा फैसला हो गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रही है, और इसका जो औपचारिक डेट है वो हम कल तक जो है। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि इस विलय का मकसद प्रदेश और देश की BJP सरकार के खिलाफ कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल जी ने बस ये कहा, पार्टी को मजबूत बनाइए, सबको मिलजुल के पार्टी को मजबूत करना है, और हमें जो एंटी नेशनल फोर्सेज है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी, उनको हर तरीके से सत्ता से बाहर करना है। कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन वो उन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस और हजका के बीच किस हद तक बयानबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार हो चुके हैं। आज के दिन कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाना चाहूंगा। इसके अलावा और कुछ? दिसंबर 2007 को चौधरी भजन लाल ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी HJC बनाने का ऐलान किया था। उसी HJC का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यहां आकर अच्छा लगा। तो तस्वीर आप उज्जैन की देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज उज्जैन पहुंचे और उन्होंने सिंहस्थ महाकुंभ में जो है आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में सारे देश के, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, सबसे बीच में आकर के बहुत अच्छा अनुभव रहा है। एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान या बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है, और इस समय महाकालेश्वर के आज इस तीर्थ स्थान पर आकर के अपने आप को मैं धन्य मान रहा हूँ। शिप्रा नदी में मैंने स्नान किया है, और बहुत से संतों महात्माओं के आश्रम में मेरा जाना हुआ है,